हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहां पर शुरू करने जा रहा हूं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, क्लास टेंथ के लिए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो बिना समय गवाए चलते हैं जल्दी से अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, आप देखो लीनियर इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा फॉर्म है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस के फॉर्म जैसे a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0, a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0, तो कह रहे कि n इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0, या फिर लिख सकते हो ax plus by plus c equal to 0। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर लिख सकते हो ax plus by plus c equal to 0, है ना, लिख सकते हो n इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0, ठीक है, वेयर एबीसी यहां पर क्या है, एबीसी क्या है यहां पर रियल नंबर, यहां पर क्या एबीसी क्या है, एक रियल नंबर है। बात समझ में आ रही है? एबीसी यहां पर क्या है, रियल नंबर है। और एक और कंडीशन है यहां पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, क्योंकि हम लोग यहां पर क्लास टेंथ में लोग टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना है जब टू वेरिएबल हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर कभी भी ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए और बी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए जब हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ते हैं उस कंडीशन में। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि हमें ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए? अगर देखो एग्जांपल, यहां पर अगर यहां पर हम ए की वैल्यू जीरो लेते हैं तो यहां पर जीरो इंटू एक्स लिखेंगे प्लस, अब मान लो कि सिर्फ इसकी वैल्यू जीरो है और बी वाई लिख रहे हैं और प्लस सी इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। सी क्या होता है यहाँ पे, सी इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है, कोई कांस्टेंट मतलब क्या, कोई नंबर 1 2 3 4 कोई भी नंबर है। ठीक है, तो जीरो एक्स तो जीरो हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर तो बी वाई प्लस सी बच रहा है। बी क्या है, कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर, जैसे कि मान लो बी की वैल्यू क्या है, टू है, तो ये क्या है, टू वाई, हम सी कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट मतलब है कोई भी रियल नंबर मिल गया 1 2 3 4 में से, तो मान लेते 2y-3, तो ये क्या बचा, ये एक हमें वन वेरिएबल में मिल गया। किस वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में नहीं है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि कभी भी यहां पर ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ए बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि कोई भी इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 है, जहां पर ए बी सी कोई रियल नंबर है, c यहां पे कांस्टेंट होता है लास्ट में, और क्या मैं बोला, a और b की वैल्यू नेवर एंड नेवर विल बी जीरो। अगर जीरो होता है तो वो टू वेरिएबल बनेगा ही नहीं, कहने का मतलब सिर्फ ये सिंपल सा बात। ओके, अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या देखते हैं, सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मैं एक लेता हूं एग्जांपल के रूप में, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ 5x-3y, देखिए किसमें लिखा हुआ है 5x-3y इक्वल टू, लिखा हुआ है क्या, जीरो, जीरो है क्या, 9 लिखा हुआ है। कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से भी ले सकते हैं हम लोग, 2x+3y = 2 या कुछ भी ले सकते हैं, व्हाटएवर। अब देखो ये इक्वेशन लिखा था कि 5x-3y = 9, हाँ यहाँ पे सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसी वैल्यू बताना x और y की, ध्यान समझना, ऐसी वैल्यू बताना x और y की जो कि ये जो 9 आ रहा है ना, ये भी जोड़ने घटाने उठाने पे 9 आ जाए, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऐसी वैल्यू लेनी है। तो चलो सोचते हैं, अगर हम लोग मान लो कि x की वैल्यू 3 ले लेते हैं और y की वैल्यू 2 ले लेते हैं, लेट से एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, x की वैल्यू 3 लेते हैं और y की वैल्यू 2 लेते हैं, तो यहां पर मैंने 5 × 3 किया और यहां पर मैंने क्या किया, 3 × 2 किया। हम लोग बात करें LHS की, किसकी बात कर रहे हैं, LHS की बात कर रहे हैं, LHS एक्ट की बात कर रहे हैं, RHS में 9 दिख रहा है, तो 15 और 15 में से 6 गया 9, तो इसका मतलब हमें यह समझ रहा है कि, समझ में आ रहा है कि LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया। तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की हम बात करते हैं यहां पर, तो इसका मतलब सॉल्यूशन वो होता है जो कि LHS को RHS के बराबर कर दे। बात समझ में आ रही है, LHS क्या कर दे, RHS के बराबर कर दे, ऐसे कोई x और y की वैल्यू हमें चाहिए होती है। ओके, तो
हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि किस तरीके सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं सोल्यूशन का ही, ताकि कुछ क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। चलो बच्चा एक एग्जांपल बुक से लेते हैं एग्जांपल, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ आर्य अग्रवाल से, आप लोग भी जाकर देख सकते हो, किताब को देखना होगा। क्वेश्चन है कि सो दैट एक्स बराबर पांच और वाई बराबर टू, एक्स बराबर क्या है पांच है, फाइव लिखा हुआ है और वाई बराबर लिखा हुआ है टू, कह रहे कि सो दैट, लिख देता हूँ क्वेश्चन में, सो दैट, so that x बराबर 5 और y बराबर 2, ये solution of the system of equation, कह रहा है कि ये solution of the system of linear equation, इस जो linear equation को हम लिख रहे हैं इसका क्या है ये solution है ये बताना है, ठीक है। अच्छा equation उन्होंने लिखा क्या, equation क्या दे रखा है 2x plus 3y बराबर 16, ठीक है। इक्वेशन क्या लिख रखा है 2x प्लस 3y बराबर 16, ठीक है। चलो एक और भी लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसी को देखते हैं कि क्या ये इसका सोल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 5 की वैल्यू यहां रखते हैं तो 2 इंटू 5 कितना हुआ भाई, प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 2, तो 10 हो गया ये और 6 हो गया ये, तो ये क्या हो गया 16। तो देखो आज LHS बराबर क्या हो गया, LHS ये कर रहे हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो LHS क्या हो गया RHS के बराबर हो गया, समझ में आ रही बात। इसका मतलब ये शो कर रहा है जो इक्वेशन दिया था उसके लिए सेटिस्फाई है ये, जो x के लिए जो x बराबर क्या दे रखा है 5 और y बराबर 2 दे रखा है, ये इस इक्वेशन के लिए क्या है सेटिस्फाई है, सॉल्यूशन है इसका ये, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे इसी सॉल्यूशन को ग्राफिकल मेथड से, कि ग्राफ के मेथड से हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, और कैसे किसी इक्वेशन को देख करके हम पता कर लेंगे कि ये किस प्रकार का ग्राफ बन सकता है। तीन प्रकार के ग्राफ बनते हैं टोटल, ठीक है। एक बनता है, एक ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइन, ठीक है, एक बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन और एक बनेगा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसाइड करता है दूसरे पर। तीन ग्राफ में बता रहा हूं, देखो पहला ग्राफ, पहला ग्राफ जो बनेगा, ठीक है, ये बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे ऐसे कोई गया है ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये केस वन में बना, मैं लिखता हूं केस वन का ही ग्राफ है। केस वन में ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है कि कोई हमने दो एक है ना दो लाइन लिया है ना, जब मैंने उसको ड्रॉ किया ग्राफ पे तो वो ऐसे दो लाइन ऐसे कट कर रहे दूसरे को, बात समझ में आ रही है। सेकेंड सेकेंड देखो, सेकेंड जो होता है ऐसे ऐसे, देखो ध्यान समझना, ऐसे एक लाइन गया है ऐसे, और जो दूसरी लाइन है इसी के ऊपर चला गया ऐसे, कोइंसाइड करा गया, चल करके चला गया, समझ में आ रहा। तो दोनों लाइन क्या है दूसरे के ऊपर कोइंसाइड ऐसे है, चिपका हुआ है कह सकते हो ऐसे, समझ में आ रही बात। इसे बोलते हैं कोइंसाइड, ठीक है। ये हो गया केस टू हमारा, केस नंबर टू, केस टू की ग्राफ ऐसे बनेगी। एक और ग्राफ बनती है, ध्यान से देखना इधर ग्राफ को, ये ग्राफ बन रहा है ऐसे, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, ये पैरेलल लाइन बनता है, कैसे क्या कैसा लाइन बनता है, केस थ्री में क्या बन रहा है, केस थ्री में क्या बन रहा है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ये बन रहा है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, और ये बन रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, समझ में आ रही है। ये क्या, ये मैंने लिख दिया तीनों के लिए, इसके लिए इंटरसेक्टिंग हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है, और ये क्या पैरेलल लाइन हो रहा है। अब ध्यान समझना, जब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 पढ़ेंगे उसमें एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो वर्ड आता है, एक आता है कंसिस्टेंट एक आता है इनकंसिस्टेंट। जब भी कंसिस्टेंट की बात करेगा किसकी बात करेगा, कंसिस्टेंट की बात करेगा, तो कंसिस्टेंट में हमेशा या तो इंटरसेक्टिंग बनेगा, ये दोनों जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होते हैं, और ये जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, इन
कंसिस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है? ये होता है कंसिस्टेंट, ये होता है इनकंसिस्टेंट। क्योंकि यहां पर जो होता है ना, और मैं बता रहा हूं ध्यान समझना, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल लाइन क्या बनता है? नो सॉल्यूशन। यहां कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन बनता है इसमें। अभी मैं बताता हूं कैसे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन बनेगा। और यहां पर जो बनता है, यहां बनता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनता है यहां पर? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यहां पर बनता है। इस ग्राफ में बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, इस ग्राफ में बनेगा इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, इस ग्राफ में बन रहा है नो सॉल्यूशन। इतनी बातें मेरी साथ समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब बात करते हैं कैसी कंडीशन होगी, व्हाट विल बी द कंडीशन दैट ग्राफ विल बी यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन टाइप ग्राफ। कैसी कैसी कंडीशन होगी उस कंडीशन को हम जानते हैं कि किस कंडीशन में ये बनेगा, किस कंडीशन में ये बनेगा, किस कंडीशन में ये बनेगा। तो देखो लेट से एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं हम लोग। हमारे पास मान लो दो ग्राफ दिए हुए हैं, दो ग्राफ जिसका नाम क्या है, एक मान लो एक लाइन है, लाइन मान लो एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। सपोज करना एक लाइन L1 एक लाइन है L2। L1 का नाम है A1x, ठीक है, एक का नाम है B1y और एक का नाम है C1, इसको हम जीरो बोल रहे हैं। इसका नाम है A2x और ये है B2y और ये है C2, इसको हम जीरो। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? अब देखो ध्यान से जरा, जब यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, कब बनेगा यूनिक सॉल्यूशन? जब जब इन दोनों ग्राफ को कंपैरिजन करेंगे, जब A1 by A2 is not equal to B1 by B2 हो जाए किसी कंडीशन में, जब किसी कंडीशन में A1 by A2 not equal to B1 by B2 हो जाए, that graph will be unique solution, that graph will be unique solution। किस कंडीशन में? जब कभी A1 by A2 not equal to हो जाए B1 by B2 के, तब। लेकिन बात करते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में, कैसे सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो जब मेनी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये कंडीशन अलग होती है। ये होता है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। C1 by C2 होता है किस कंडीशन में? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन में क्या होता है? C1 by C2 यहां पर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 4 है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या बनेगा। ये तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग के लिए, ये इनफाइनाइट के लिए बनता है। अब पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन कंडीशन कुछ अलग है। क्या कंडीशन अलग है इसके, इससे थोड़ा सा विपरीत चलेगा। ये बनता है A1 by A2, ये नॉट इक्वल टू है तो यहां पर बनेगा इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। बात समझ में आ रही है? तो तीनों को याद रखना है। कभी कभी इक्वेशन देता है और कहता है, हम लोग जब 3 पॉइंट एक्सरसाइज पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़े, कैसे हम लोग पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे आराम से। जब ये समझ जाएंगे तो बहुत ही चैप्टर आसान लगेगा हम लोगों को, ठीक है। इसीलिए पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अब तुम लोगों को समझ में आ गया क्या A1 है, क्या B2 है, क्या C2 है, क्या A1 by A2, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। चलो कुछ हम लोग इक्वेशन लेते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, इक्वेशन का नाम, इक्वेशन दिया हुआ x minus 2y equal to 0। इक्वेशन यहां पर क्या है? x minus 2y equal to 0, पहला इक्वेशन ये दे रखा है। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x plus 4y minus 20, 3x plus 4y minus 20। ये इक्वेशन मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, आप लोग वहां पे देख सकते हो, ठीक है। मैं कोई भी रेफरेंस ले रहा हूं तो उसमें बता दे रहा हूं कि यहां से मैंने इस रेफरेंस का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ओके। तो 3x plus 4y minus 20 ये लिख रखा है। अब देखो ध्यान समझना कैसे ये यूनिक है। जब हम लोग इसको लिखेंगे तो देखो यहां पर क्या है, A1 होता है ना, देखो कंपेरिजन करो, A1x का मतलब A1 की वैल्यू यहां पर क्या है तो 1 है। क्या है यहां पर? कुछ नहीं तो 1 है। अब ये नीचे वाला क्या है? A2 है। नीचे वाला क्या है? A2 है। तो A2 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो हमने लिखा यहां पर 1/3, ठीक है। अब देखो यहां पर B1 की वैल्यू क्या है? -2, तो मैंने लिखा यहां पर -2। अब B2 की वैल्यू क्या है? 4
4, तो कटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस वन बाई टू मान सकते हो, माइनस वन अपॉन में टू। तो क्या ये बराबर है इसके, क्या ये बराबर है इसके, माइनस वन बाई थ्री के बराबर, माइनस वन, नो, इसलिए बोलते हैं कि नॉट इक्वल टू। तो ये जो कंडीशन बन रही है कि 1 बाई थ्री बराबर नहीं है माइनस 1 बाई टू के, जब ऐसी कोई ग्राफ मिल जाए, ऐसा कोई लाइन का इक्वेशन मिल जाए, उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। बस समझ में आ रहा, और ये क्या है, कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं a1 बाई a2 बिनो b2 c1 बाई c2। इस कंडीशन की बात ही अलग है, काफी मजेदार इसमें बनता है, मैं अपने मन से ले सकते, कुछ भी ले सकते, इसमें कुछ ले सकते, देखो जैसे मैं ले रहा अपने मन से, मैंने लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, अपने मन से ले लिया। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका डबल कर देंगे, डबल करने का मतलब क्या, 4x प्लस क्या, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और इसका डबल y 12, ठीक है। तो ध्यान समझ, अब हम लोग देखो इसको लिखते हैं, यहां पर a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, a2 की वैल्यू क्या है, 4 है लिखा हमने, b1 की वैल्यू क्या है, 3 है, b2 की वैल्यू क्या है, 6 है, ध्यान समझना, c1 की वैल्यू क्या है, 6 है, और c2 की वैल्यू क्या है, 12 है। अब कटने वाला जब होता तो कटाते भी हैं हम लोग, तो यहां पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 6 1 जा 12। तो यहां पर हर जगह 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, चाहे ग्राफ मैं ये लिखूं, चाहे ग्राफ मैं ये लिखूं, चाहे कुछ और भी लिख दूं यहां पर, कुछ और मल्टीपल लिख दूं इसका, तो ये एक ही पॉइंट पे कटता हुआ जाता है। बस समझ में आ रही है, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे 100 बाई के, इसीलिए बोलते हैं इसको कंसिस्टेंट के कटने बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है यहां पर। अब बात करते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन की, है ना, किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन मिलता है, जैसे कि हमने इसकी बात कर लिया, इसकी भी बात कर लिया, अब बात करते हैं इसकी। तो कोई इक्वेशन लेते हैं जहां पर कि c1 by c2 क्या हो, बराबर ना हो, बात समझ में आ रही है। चलो लेते हैं 2x plus 3y is equal to 4 हमने लिया, ठीक है, यहां पर हमने लिया 4x plus 6y is equal to 12 हमने लिया, ठीक है। अब क्या देखते हैं इसके बराबर आता है, लिखते हैं a1 by a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 4 और c2 की वैल्यू क्या 12। नाउ हम लोग कटाते हैं इसको, 1 2 1 2 1 और 3, 1 और 3 कटा, तो क्या दिख रहा है कि 1 by 2 is equal to 1 by 2, मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 हो गया, लेकिन c1 by c2 क्या है, ये नहीं है, इसलिए ये क्या है, नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन की जो ग्राफ बनती है वो नो सॉल्यूशन की बनती है, और इसे अगर आप कैसे बनेगा, पैरेलल लाइन, कभी भी एक दूसरे से क्या करेगा, मिलेगा नहीं, ये बात समझ में आ रही है, कभी भी एक दूसरे क्या होगा, मिलेगा नहीं, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, जब अगर ये चीज समझ में आ गई तो हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ 3.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, सॉरी पुरानी बुक से 3.2 है, नई बुक से 3.1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।